फुल टाइम स्पॉन्सर मैसेज सुनने के बाद ये है आईफोन 13 प्रो मैक्स जो कि इस टाइम मेरे पास मौजूद है। और आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि इसका जो बॉक्स है वो 12 प्रो मैक्स के जो बॉक्स है उससे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर बैक साइड बनाई गई है फोन की और यहाँ पर जो इसके कैमराज हैं उनको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है। अगर आप इन दोनों फोन को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लेंसेज और साइड बाय साइड नजर भी आ रहा है। लेकिन अभी हम बॉक्स को ओपन करके भी देखेंगे कि एक्जैक्टली कितना डिफरेंस है। एक और चीज जो कि नोटिसेबल है वो ये है कि प्लास्टिक रैप नहीं है इसके ऊपर, तो आपको काफी हद तक जो पुल टैब है वो देखने को मिल रहा है। और ऑब्वियसली इसके पीछे रीजन ये है, वो मैंने उतार भी दिया भाई, ये जो पुल टैब है इसके पीछे रीजन ये है कि एप्पल जो है वो इस बार प्लास्टिक से जो है वो आपकी जान छुड़ाना चाह रहा है। फोन को हम कर लेते हैं यहाँ पर ओपन और ओ माय गॉड काफी डिफरेंट है अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ साइड बाय साइड, लेकिन अगर आप देखते हैं तो डिफरेंस काफी ज्यादा है कैमराज का। स्पेशली कैमराज जो है वो सर्कल में काफी बड़े हैं। और आईफोन है तो भाई बॉक्स के अंदर आपको दुआएं मिलती हैं, आपको एक तार मिलती है जो कि यूएसबी टाइप सी टू नॉर्मल लाइटनिंग है, और उसके अलावा आपको वही डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया मिलता है। एक एप्पल स्टिकर जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड दैट इज प्रीटी मच इट फॉर द बॉक्स। तो हम बॉक्स को भाई साइड पे कर देते हैं। फोन जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, तो इसको जरा रैपर इसका रिमूव कर लेते हैं और इसके जो स्क्रीन है उसको ऑन भी कर लेते हैं। नॉच का साइज भी चेंज किया गया है इस बार, तो वो भी देखेंगे। एक चीज जो मैं शुरू से चेक करना चाह रहा था वो ये है कि क्या iPhone 12 Pro Max का केस iPhone 13 Pro Max पे आएगा, और उसका आंसर है भाई कि बहुत मुश्किल से आएगा और कुछ केसेस ही आएंगे जो जरा ओपन ज्यादा लेकर आते हैं। और आप देख रहे हैं इसमें भी जो साइज है वो कट रही है, तो कैमरा सेटअप सिर्फ जो इसके गोल सर्कल्स हैं वो बड़े नहीं हुए, ओवरऑल जो कैमरा सेटअप है उसका साइज बढ़ाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फिनिश है वो मोर और लेस वैसी ही रखी गई है। ऑब्वियसली मेरे फोन का थोड़ा कलर भी डल हो गया है क्योंकि मैं यूज करता रहा हूँ। साइज पर भी अगर आप देखें तो मोर और लेस सिमिलर डिजाइन रखा गया है। फोन जो है वो यहाँ पर ऑन हो गया है, मैं इसको जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। ओके भाई, तो फोन जो है वो यहाँ पर फाइनली रेडी हो गया है। और सबसे बड़ा डिफरेंस जो कि आईफोन मैं ये कहूँगा कि 13 सीरीज और 12 सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि जो नॉच है उसका साइज काफी छोटा कर दिया गया है 12 सीरीज के नस्बत। और मैं यहाँ पर अपना डार्क मोड ऑफ कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से दिखा सकूँ कि 12 सीरीज की नॉच और नॉर्मल जो नॉच अब आ रही है उसमें कितना ज्यादा डिफरेंस है। और यहाँ से आपको बेहतर तरीके से अंदाजा हो रहा होगा कि दोनों फोन के दरमियान में जो नॉचेस हैं उनका कितना डिफरेंस है। इसके अलावा अगर दोनों फोन की बैक साइड की बात करते हैं तो दोनों फोन के बैक साइड पर जो कैमराज हैं उनके साइज में भी आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। ऊपर वाली साइड से मोर और लेस आपको सिमिलर डिवाइसेस देखने को मिलती हैं। साइड प्रोफाइल की भी अगर आप बात करते हैं तो मोर और लेस सिमिलर है, ऑल दो लोकेशन जो है वो चेंज कर दी गई है सिम कार्ड की। नीचे वाली साइड पर भी दोनों डिवाइसेस देखने में एक्जैक्टली आइडेंटिकल लगती हैं। एक और बहुत बड़ा फीचर जो कि इस बार आईफोन 13 सीरीज के साथ हमें देखने को मिल रहा है वो सिनेमैटिक वीडियो है। और इसके अंदर बेसिकली आपको बैकग्राउंड का ब्लर देखने को मिलता है, और मैं आपको ये बताते हुए बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ कि ये फ्रंट कैमरा में भी काम करता है। तो बेसिकली अगर आप व्लॉगिंग के अंदर जो है वो ब्लर करना चाह रहे हैं अपने आप के अलावा हर चीज को, तो आप कर सकते हैं। आप एक और चीज नोटिस करेंगे, ये बहुत मजेदार तरीके से काम करता है। इवन जो कैमरा है इसने उसको भी ब्लर किया हुआ है। और अगर मैं इस वीडियो को यहाँ पर ओपन कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि ये काफी क्रेजी होने वाली है। इसके अलावा आप इसको एडिट आउट भी कर सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इस वीडियो को बाद में जाकर एडिट आउट कर सकें। और आप इसका जो अपर्चर है वो भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, आप जो लोकेशन है किसी भी चीज़ की उसको भी चेंज कर सकते हैं। और ये थोड़ा टाइम जरूर लेता है, लेकिन मैंने इसे कैमरा पे कर दिया तो मेरा फेस इसने ब्लर कर दिया है। और उसके बाद अगर मैं इसको फेस पे करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर ले जाएगा। और यही वो चीज़ है जिसके बारे में मैं पहले भी आप लोगों से बात कर रहा था कि यहाँ पर जो फोन है उसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप बाद में भी इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, जबकि DSLR कैमराज में जो चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है वो बेसिकली रिकॉर्ड हो जाती है और उसके बाद उसमें जो चेंजिंग है वो नहीं आ सकती। यहाँ पर जो बैक पर तीनों कैमराज हैं उनकी क्वालिटी में भी बहुत बड़ा डिफरेंस दिया गया है। और यहाँ पर जो नंबर है अगर आप मेगापिक्सल के नंबर पर जाएंगे तो शायद आपको फील हो कि ये उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है जितना पहले था, लेकिन यहाँ पर जो गेम है वो ये है कि 12 मेगापिक्सल होने के साथ साथ अब इसका जो सेंसर साइज है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है। तो इवन जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है उसकी लो लाइट परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो गई है पहले के नस्बत। यहाँ पर हमने कुछ पहले भी शॉट्स वगैरह लिए हैं, ये बिल्कुल लो लाइट के अंदर ली गई थी, जब यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले लाइट चली गई थी। तो शॉट्स का जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है।